ये मेरा नाम राम कुमार दत्त, ग्राम पोस्ट जितवारपुर, जिला मधुबनी के रहने वाले हैं। और ये मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार का सब ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ये हैंडमेड पेपर, इसको गाय की गोबर का घोल लगा के, गाय की गोबर को बहुत शुद्ध माना गया है, जो पेपर पर लगाने के बाद बेस बनता है, बेस बनने के बाद पेंटिंग बनाते हैं हम लोग नेचुरल कलर से, जो फूल पत्ती की करते हैं, जैसे सिंघार का फूल हुआ, कटहल का छाल हुआ, हल्दी हुआ, ये साग हुआ, पोड़ों का साग है, तो फूल पत्ती का जो कलर से जो बनता है उस कलर हम लोग यूज करते हैं हैंडमेड पेपर पे। हैंडमेड पेपर जो है तो 60% क्लॉथ और 40% पेपर है, जो खादी ग्राम उद्योग में बनता है ये। और ये पेपर बिहार में मिलता है, उस पर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं। ये पेंटिंग पहले हमारे यहाँ जो शादी होता था उस शादी में जो है तो अपने कच्चे घर में जो कलाकार लोग बनाते थे, तो वो पेंटिंग एक डिजाइनर गई कुलकर्णी, उन्होंने एडवाइस किया 60 साल पहले, जो आप जो वॉल पे जो पेंटिंग बना रहे हैं, जो अपने शादी विवाह में जो ये डेकोरेट कर रहे हैं, इसको आप पेपर में लाइए और पेपर पे बनाइए, तो ये इंडिया में सबसे अच्छा पेंटिंग बनेगा ये। उसके बाद ये स्टार्टिंग हुआ, उस समय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग बहुत ज़्यादा क्राफ्ट म्यूजियम जो है, शिल्प संग्रहालय कहा जाता है इसको, प्रगति मैदान जो इंटरनेशनल मार्केट लगता है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा पहचान हुआ। और उसके बाद में नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, स्वर्गीय सीता देवी जी को फर्स्ट नेशनल अवार्ड, और पद्मश्री मिला, पद्मश्री जगदम्बा देवी, पद्मश्री गंगा देवी और जमुना देवी, जो सारे जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उन्होंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा प्रचार हुआ। उसके बाद जो है सो ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया में ये पेंटिंग का पहचान हो गया। नंबर वन पे मधुबनी पेंटिंग है ये हैंडमेड पेपर, इस पर रामायण और महाभारत पे रासलीला, जैसे गोदमा टैटू करवाते हैं बॉडीज पे, तो टैटू का मतलब होता है जो साथ में जाना, जो कुछ करवाते हैं टैटू अपने बॉडीज पे, चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे अपना नाम हो, या कोई गर्लफ्रेंड का नाम हो, तो वो टैटू स्टाइल में हमारा पेंटिंग होता है। तो ये पेंटिंग जो है तो रामायण महाभारत पर आधारित है। दूसरा है टैटू, तीसरा है पीकॉक, पीकॉक पे मछली शुभ का प्रतीक होता है, पीकॉक जो है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, इसलिए सो लोग ज़्यादा चाहते हैं और पेंटिंग जो है सो बनता है। जैसे ये स्टार्टिंग रेंज है, बुक मार्क भी है, जैसे स्टूडेंट लोग बुक मार्क यूज करते हैं, तो बुक मार्क जैसे 20-25 रुपये में मिलते हैं, और 25,000 का भी पेंटिंग है, हर रेंज का है, 500 से 400, 3,000, 4,000, सब रेंज का पेंटिंग है यहाँ पर, कोई इस तरह का नहीं है। और कलाकार के ऊपर काम निर्धारित होता है कि इस पेंटिंग में क्या काम है, कितना आर्टिस्ट 1 महीना लगाया या 2 महीना लगाया या 4 महीना लगाया, तो आर्टिस्ट कितना काम किया उस हिसाब से कस्टमर देखते हैं और परचेज करते हैं। और अच्छे रिस्पांस मिला है, हेल्प शिल्पारामम में सारे हिंदुस्तान के जो आए हुए आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, हैदराबाद के जो पब्लिक है बहुत ही अच्छे हैं, कृपया आए और पेंटिंग या कुछ भी खरीदे, ताकि कलाकार का जो है सो प्रोत्साहन बढ़ेगा और हर साल इससे अच्छे अच्छे क्वालिटी लेके आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो आप शिल्पारामम आके पेंटिंग खरीदें और सारा चीज़ कलाकार का मनोबल बढ़ाएं। Match.